नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया के अंदर। मैं हूं आपकी यूजुअल होस्ट साक्षी मांडवाल। हर बुधवार शाम को 5 बजे हम आपसे करते हैं मुलाकात। और आज दोस्तों हमारा पहला सेगमेंट रहेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक के ऊपर, जिसको हम आज हम सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले, या ये कहूँ कि आज मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने को आ चुके हैं लगभग। और अगर हम देखें तो इन 4 वर्षों के अंदर ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं जो देश के सिटीजन्स यानी हम सब के लिए हित में, हम सब के हित को सोच के बनाई गई हैं। उनमें से कुछ स्कीम्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहीं, कुछ ऐसी भी रहीं जो खास तौर से महिलाओं के ऊपर फोकस करती हैं। एक बहुत अहम मुद्दा जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उठाया वो है वुमेन एम्पावरमेंट का। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम देखते हैं कि आज महिलाएं अपने आप में इतनी सशक्त और इतनी काबिल बन चुकी हैं कि वो भी आज सारे आदमियों के साथ यानी मेल्स के साथ सोसाइटी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। इसलिए दोस्तों आज हमारे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हम आपकी मुलाकात 2 ऐसी महिलाओं से करवाने वाले हैं जिन्होंने एक छोटे से इनिशिएटिव को आज बहुत बड़ा कर दिया है। क्यों बड़ा कर दिया है? क्योंकि जहाँ से उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि वो महिलाओं को एम्पावर कर सकें, आज उन्होंने ना सिर्फ उन महिलाओं को एम्पावर करवाया है बल्कि उसके साथ साथ उनको खुद की एक आइडेंटिटी यानी एक नाम भी दिलवाया है। कैसे ही उन्होंने किया है और क्या है, चलिए आज उनकी ज़ुबानी उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ही हम स्टूडियो में आप सबको मिलवाना चाहूँगी हमारे साथ वाउस की प्रेजिडेंट सलमा फ्रांसिस से। नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्टूडियो के अंदर सलमा जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज सलमा जी के साथ दोस्तों हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रही हैं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था की एक ट्रेनर जिनका नाम है चारू वर्मा। नमस्कार चारू जी। नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सलमा जी, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है हर बार आपको स्टूडियोज़ में जब हम बात करते हैं, एंड हर बार जब भी आप आई हैं तो महिलाओं के हित में और महिलाओं के लिए ही आपने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। और आपकी जो संस्था है वाउस, वो भी बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रही है जी। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कुछ नया जो आपकी संस्था ने पिछले कुछ समय के अंदर शुरू किया अपनी महिलाओं के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, हमने जहाँ पर एम्पावरमेंट की बात आती है महिलाओं को लेके, तो वो ओवरऑल एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम। और वहाँ जब मेरा मानना यह है कि महिला अगर आर्थिक रूप से आज़ाद होगी तो वो हर चीज़ में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन मानेगी और कहीं ना कहीं उसका अपना एक स्थान रहेगा अपने परिवार में, बाहर और हर जगह। तो हमारी यही कोशिश रही है कि अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं महिलाओं को लेके, तो हम उनको तैयार करें, उनको कामयाब बनाएं और उनको उनके पैरों पे खड़ा करें जिससे कि वो अपने रोज़गार को कमा सके। तो बेसिकली हमने पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर कि हम विमेन को अगर हम कुछ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो ट्रेनिंग दे के छोड़ ना दे बल्कि वो सस्टेन कर सके उस चीज़ को लेके और आगे बढ़ सके और उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कर सके। तो हमने अभी बीच में ONGC की मदद से हमने एक सेंटर यहाँ पर मदनपुर खादर में डाला जिसमें अराउंड हमारे पास 66 वीमेन हैं और उनको हमने पूरे साल लगकर ट्रेन किया। और ट्रेनिंग के बाद हमने ये सोचा कि इसको कहाँ भेजेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगहों से आती हैं जहाँ पर वो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके परिवार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी उलझनों में फंसी होती हैं और सीखने के बाद वो घर में बैठ जाती हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी रणनीति बनाएं कि जिससे कि वो महिलाएँ अपने पैरों पे खड़े होके अपने को कामयाब कर सके। और हमने उनके लिए फिर वही एक प्रोडक्शन यूनिट डाला जब इन्होंने ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करने के बाद हमने इन्हें प्रोडक्शन यूनिट में शिफ्ट किया। और हमने सोचा कि जब हम देखते हैं देश में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, ऐसी एक्सपोर्टर्स हैं जो बस्तियों में आते हैं और इन महिलाओं से काम करवाते हैं, छोटे छोटे पीस बनवाते हैं, हाथ के काम होते हैं और उनका मिलता क्या है, इन्हें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, और वही पीस बड़ी ब्रांड लग के, टैग लग के और विदेशों में जाता है और वहाँ पर लाखों रुपये में बिक जाता है। लेकिन लोग भी उसकी तारीफ करते हैं, ब्रांड की तारीफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे किसका रोल है, किसने वो मेहनत करी है, वो नज़र नहीं आती है। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में थी और उस चीज़ को लेके हमने सोचा कि इन महिलाओं को इनकी एक पहचान दी जाए। और उसी पहचान को देने से हमने बहुत बेहतरीन क्वालिटी में कपड़े बाय किए, ख़रीदारी करी अलग अलग जगहों से जाकर, और वो हमने एक अपनी डिज़ाइनर अफशान को लेकर जिसने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मदद किया, चारू ने पूरे साल उन्हें ट्रेंड किया। आप जब उसे बात करेंगे तो पता चलेगा कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको ट्रेन करने में,
ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद हमने उस यूनिट में उन्हें प्लेस किया और उन डिज़ाइनर कपड़ों से मतलब जो स्टिचिंग हमने उनसे करवाई उन्हें एज ए माहिरी के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया। और माहिरी एक ऐसा वर्ड जो कि स्किल्ड वीमेन को दिखाता है, दर्शाता है। और जब देश के किसी भी कोने में कहीं भी मॉल्स में या कहीं पर भी ये ब्रांड दिखेगी, ये नाम दिखेगा, तो लोगों को सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि ये अंडर प्रिविलेज वीमेन ने बनाया हुआ है, ये उनकी कारीगरी है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम वीमेन को एम्पावर करें ताकि वो जो कमाए वो अपने लिए अपनी खुशियों को जो आज तक नहीं पूरी कर पाई थी या वो अपने पति को का साथ नहीं दे पाई थी या कहीं भी उसको, क्योंकि लोगों को लगता है बेसिकली जो पैसा अगर कोई घर में दे रहा है तो वही एक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन महिलाएं घर में काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, पति को देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, वो चीज़ें नहीं मेंश, लेकिन पैसा नहीं दे पाती, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनकी एक पीछे ही रखा जाता है। तो बेसिकली हमने सोचा कि इनको इस तरह से आगे, आपने बात करी कि आपने इन महिलाओं को ट्रेन किया कि ये अपनी कला को आगे लेके आए। मैं चारों आपसे पूछूंगी क्योंकि आप एक ट्रेनर हैं और वाउस के साथ एसोसिएटेड रही हैं संस्था से, इन महिलाओं को ट्रेन करने में किस तरह की कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ता है? बिकॉज ये महिलाएं वो हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं जिनमें इतनी पढ़ाई इन्होंने नहीं करी होगी लेकिन उनके पास कला का हुनर है जिसको वो उतार सकती हैं, तो इनकी ट्रेनिंग में किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? इसमें मैम कुछ महिलाएं ऐसी आती है बहुत पढ़ी लिखी है और कुछ है बिल्कुल मतलब अनपढ़, पढ़ाई नहीं करी, अनपढ़ भी बोल सकते हो उनको, जो घर से कभी स्कूल तक नहीं गई हैं, ऐसी महिलाएं भी आती हैं मेरे पास। लेकिन उन्हें हम लोग फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं कि 1-3 तक सिखाते हैं हम लोगों ने, इंची टेप से समझाती हूँ इन लोगों को, कभी ये इंच का नहीं पता कि एक इंच कितना होता है, वो सब मतलब सिखाया जाता है। फिर जो मतलब डिवाइड वगैरह नहीं आते वो सब हम लोग पढ़ाते हैं पहले, उसके बाद हम उनको स्टार्ट करते हैं सिलाई से। तो आपने बोला जैसे इनको डिवाइड वगैरह नहीं आता है, इनको इंच वगैरह समझ नहीं आता है, मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर सलमा जी कि डिवाइड इंच यानी ये चीज़ें हैं जो जिसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो आप किस तरह से अपनी पूरी एक टीम आपने बनाई हुई है खासतौर से इसी के लिए, थोड़ा उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप इनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं इन चीज़ों की? देखिए हम काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं इनके लिए ना, अलग अलग सब्जेक्ट पे। जहाँ तक सवाल है इंच का और डिवाइड का, तो हम कुछ गेम्स इनके बीच में करते हैं क्योंकि अगर हम बोर्ड पे लिख के इन्हें समझाएंगे तो शायद इनको समझ नहीं आएगा, तो हम इनके लिए कुछ गेम्स तैयार करते हैं, कुछ पेपर्स लेते हैं, कुछ कलर्स लेते हैं उसमें से, या कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, ये इतने ऐड हो गए तो ये कितने दिख रहे हैं, ये इतने कम हो गए तो ये कितने हो गए, उस तरह से इनको ऐड ऑन करना सिखाते हैं, डिवाइड करना सिखाते हैं, घटाना बढ़ाना ये सब गुणा वगैरह ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। जब उनको समझ आ जाता है तब हम उनका स्केलिंग करते हैं, लाइक ये इतना एक, ये दो, ये इसको इंच कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चली जाती है। तो इसके साथ साथ हम ना केवल सिर्फ एक सीधा कटिंग पे आ जाते हैं बल्कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स इनके साथ करते हैं, इंट्रैक्शन सेशंस भी इनके साथ करते हैं, जिससे कई जैसे जामिया से कुछ लोगों को बुलाया जाता है या कुछ ट्रेनर्स हैं उनको बुलाया जाता है, अलग अलग मुद्दे पे लीडरशिप की ट्रेनिंग्स दी जाती है, मोटिवेशन ट्रेनिंग्स दी जाती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेयरनेस को लेकर इनके साथ की जाती है, तभी इनको उस स्तर तक ला पाते हैं जिससे कि सीख सके कि इतने इंच इतना होता है और इतना हमें कपड़ा लेना है या इतना हमें काटना है या इतना हमें नापना है। चारों में आपसे पूछती हूँ, जैसे भी बताया सलमा जी ने कि अलग अलग संस्थाओं से लोग आते हैं जो इनको ट्रेन करते हैं, जो इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स दिखाए जाते हैं, मिलवाया जाता है, उनको उनके उनको और प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़वाते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार रहता है? आप कैसे अपनी ओर से इन महिलाओं को थोड़ा और इनका मनोबल बढ़ाते हो या इनको थोड़ा और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हो, क्या आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें किस प्रकार से? मैम सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हम उनको जो ट्रेनिंग होती है उसमें सारे कन्विंस करते हैं, उनको मतलब बुलाते हैं और सब हम लोग करवाते हैं, और जो नहीं समझ में आता उनको फिर सलाह देते हैं उस चीज़ की, तो उस तरीके से हो जाता है मतलब हल्की हल्की सलाह दी तो वो समझते हैं। सलमा जी इस बात को मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप आगे बढ़ा के बताएँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, कुछ हैं जो अशिक्षित हैं, तो शिक्षित वाली तो समझ जाएंगी लेकिन जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उनके लिए ये सारे शब्द कई बार सिर्फ शब्द बनकर ही रह सकते हैं जी। तो कैसे आप उनके मन के अंदर
घुसते हैं उनके दिमाग के अंदर, कि आप उनको समझा सकें कि कैसे इन सब चीज़ों को शुरू करना है? देखिए, बहुत बड़ा रोल उनके परिवार का भी रहता है और उनके खुद का भी रहता है. तो हम बेसिकली, अगर मैं उनसे बात करूं चांद पे जाने वाली, तो शायद उन्हें वो नाम भी नहीं पता होगा कि चांद पे कौन गया था. तो हम कोशिश करते हैं कि जिन एरियाज़ में वो रहती हैं, उन्हीं एरियाज़ में अगर कोई प्रधान बनी है, इलेक्शन लड़ा है और वो उसी बस्ती की, और वो पढ़ी भी नहीं है, तो किस तरह वो उसने अपने आप को आगे लेके आई. हमारे क्षेत्र में ऐसी महिलाएं हैं जो इलेक्शंस भी लड़ी हैं, जो ट्रेनिंग भी देने जाती हैं, जो डॉट सेंटर भी जाती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत काम करती है. तो उन विमेंस को, जो चेहरे उन्हीं के बीच के पहचाने हुए हैं, उन्हीं को सामने लाते हैं और उन्हीं के बारे में बताया जाते हैं. कई बार हम उन लोगों से कहते हैं, उन विमेन से कहते हैं कि आप एक दिन हमारे सेंटर्स में आइए और आप अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके कि अरे, ये हमारे ही बस्ती में रहने वाली महिला है और हाँ, ये सचमुच में इतनी आगे है, तो किस परिस्थिति से वो आगे आई है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके परिवार ने उसे सपोर्ट किया, कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं होता, बहुत बार नहीं होता, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर चीज पनप रही है कि मुझे आगे जाना है, मुझे ऐसे करना है, तो जो संघर्ष वो करके स्टेप बाय स्टेप आगे आती है, किस तरह वो अपने परिवार को समझाती है, किस तरह वो लोगों को समझाती है. क्योंकि जब एक महिला बाहर निकलती है, तो बाहर के लोगों की आंखें और उंगलियां बहुत उस पर होती है. तो उन चीज़ों को आपको किस तरह अवॉइड करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें उन्हीं के बीच में से ला के उनको सिखाया जाता है. और आपने ये बताई कि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन एक आपने जो सबसे अहम बात उठाई थी, वो ये थी कि आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हो डिज़ाइन के अंदर. तो उस डिज़ाइन की, उस कला की जो इनके अंदर है, जो कला, उस कला को आज के आप सामने भी लेकर आए हो किसी रूप में? जी हाँ, बिल्कुल लेके आए हैं. हमने मैं पहले भी बताया था कि हमने एक माहिरी के नाम से इनको एक पहचान दी है, और इनको भी बहुत अच्छा लगा है कि अगर जहाँ भी कहीं पर भी ये माहिरी के नाम का जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं, जो कपड़े एथनिक बनाए हैं इन्होंने गारमेंट्स, तो कहीं भी दिखेगा तो वो ये जाना जाएगा कि ये अंडर प्रिविलेज वेमेन ने बनाया है, गर्ल्स ने बनाया. तो ये इनकी खुद की एक पहचान रहेगी. और ये सेंटर कहाँ है, मदनपुर खादर में है, ऑनलाइन पे इसकी डिमांड है, या अलग अलग मल्टी ब्रांड शोरूम्स हैं उसमें है. और इनफैक्ट आप देखेंगे तो उसमें जो हमने टैग्स भी बनाए हैं, वो भी पूरा दर्शाता है कि ये सचमुच इन पे कितना काम किया गया है, और ये दर्शाया जा रहा है कि ये सचमुच उन्हीं विमेन की तैयारी की गई है और उन्हीं विमेन के लिए बनाया गया है. राइट, एंड आई थिंक इस नोट पर हम आपको दिखाते भी हैं कि हाल ही में माहिरी ब्रांड का लॉन्च भी हुआ, कितने बड़े स्तर पर और कितनी खूबसूरती से उस ब्रांड का लॉन्च हुआ, आपको दिखाते हैं. Namaskar, I'm Veronica and today we are here at the brand launch of Mahiri, which is given to us by Vision of Oasis Wave Society. Kya hai Mahiri? Mahiri has been given to us by VOWS in collaboration with some excellent designers to give growth to underprivileged women and young women of the society. To aaj hum baat karte hain kuch inhi mahilaon se aur in designers se aur jante hain unka safar. The name is just, it evokes so many feelings, strong, feminine, gentle, beautiful, everything mixed together. And I think with a brand that has a name like that, is already giving such strong, good, positive vibes. And then when you are training underprivileged women where the soul of the work is going to be so pure and it's going to be so good, I really wish the brand, I love the thought behind it, all the people involved, I wish them all the very best for it. ये जो एक अंडर प्रिविलेज विमेंस के लिए सलमा ने एक जो नया प्रोग्राम शुरू किया, ये अपने आप में जितनी भी इसकी तारीफ की जाए, मैं समझती हूँ कम है. Wow.
वाउस के साथ हमारा एक लीगल एड क्लिनिक चलता है जिसमें हम महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस और रिलेटेड इश्यूज में काउंसलिंग करते हैं। आपसे मेरा ये कहना है कि किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को और किसी जरूरतमंद तबके को अगर कोई मुफ्त कानूनी सहायता, लीगल काउंसलिंग या एडवोकेट आपको लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट DLSA इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर कोर्ट कम्प्लेक्स। मैं कितने ही ब्रांड हम फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करते हैं, देखते हैं कि किस स्तर से लेकर आगे बढ़ते हैं, पर मेरी उम्मीद ये है कि ये ब्रांड आसमां पर ही पहुंचे। Beautiful, beautiful program put up in front of the stage. Lots of efforts together coming up. And I feel there could be nothing better than empowering a woman, empowering her financially, socially, supporting her. There could be nothing better than this. And the range of clothes, the color combination, I think they are going to really do well in the market. I suppose that this is going to strengthen the cause for upliftment of all those women who are underprivileged, and they will be able to earn their livelihood with respect. Great initiative, and these kinds of initiatives should be supported by all of us. कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी महिलाएं कंधों से कंधे मिलाकर ना चले, और ऐसी ही महिलाओं को सशक्त कर रही हैं वाउज जैसी संस्थाएं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट जस्ट गिविंग दीज वुमेन नेम बट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव फर्दर, टू ग्रो फर्दर इन देयर लाइव्स। दे आर नॉट जस्ट लेटिंग देम टू कम अप विद क्लोथ्स बट विद डिजाइनर क्लोथ्स। यस, दे कैन वियर देयर ओन ब्रांड, दे कैन सेल देयर ओन ब्रांड। मैं यहाँ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मतलब घर में नहीं रहना है, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लोगों ना, मतलब मेरे जो घर वाले हैं मेरे नाम से जाने जाएं और उन्हें मुझ पर प्राउड फील हो कि हमें यहाँ पे सिलाई सीखने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का। जैसे नए नए डिजाइन के कपड़े होते हैं, आज हम अगर यही कपड़ा बना लेंगे, आगे भी चल के हमारे इन्हीं कपड़ों का बहुत पहचान होगा, और उसके साथ साथ हमारा भी पहचान बनेगा कि कोई भी देखेगा बोले कि हाँ, इसी वाउस सेंटर की लड़कियों ने बनाया इस कपड़ों को। मैम ने मुझे बताया कि अगर तुम जॉब करना चाहो, तुम्हें सिलाई बहुत अच्छे से आ जाए, फिनिशिंग से आ जाए, तो अगर जॉब करना चाहो तो तुम वहाँ पे जॉब भी कर सकती हो। फिर मैंने सोचा हाँ ठीक है ना, बाहर नहीं जा सकते, कम से कम घर अपने कॉलोनी में तो जॉब कर ही सकते हैं ना। इस यही सोच के सर मैं यहाँ पर आई थी, सिलाई भी आ जाएगी और कुछ पैसे भी आएंगे हाथ में। जो ये कपड़े हैं ये हमारे सेंटर के लोगों ने बनाया और हमने भी खुद बनाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े हमारे यहाँ मतलब बनाए जाते हैं वो जो कोई बेचता है तो वो हमारे नाम से ही बेचे जाएँ। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ, मुझे उससे पैसे मिलते हैं, उन पैसों का मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, खर्च करती हूँ, खुद की एक पहचान मिली। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पे हमने सारे ड्रेस हम लोगों ने खुद ही सिले हैं मिलके, और हमारे सिले हुए कपड़े को एक पहचान मिली है। घर वाले तो कभी तैयार नहीं थे, मगर घर मैंने बोला कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपने कपड़े खुद सिलने में बाहर नहीं जाना चाहती, मैं खुद सिलना चाहती हूँ और अपनी पहचान बढ़ाना चाहती हूँ। माई ब्रांड जो हमारी लॉन्च हुई है, हम चाहते हैं उसमें और अभी तक जितने अच्छे डिजाइन है उससे और अच्छे डिजाइन उसमें जाए। आसमां को छू लेने की तमन्ना रखने वाली हमारी इन महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो मौलिक सुविधाओं की। उन्हीं मौलिक सुविधाओं को प्रोवाइड करने का डिसीजन हमने लिया, और माहिरी ब्रांड के अंडर हमने उनके द्वारा किए गए प्रोडक्शन को समाज के सामने लाया ताकि वो अपनी पहचान बना सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश दे सकें। तो हम यही आशा करते हैं कि हम अपनी इन महिलाओं को एक उज्जवल भविष्य दें और समाज में एक नई पहचान दें। औरतों में टैलेंट है, लेकिन वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, ये सब नहीं था। इसलिए मैम हमारे यहाँ पे जे कॉलोनी में काम करती थी, उनसे हम मिले और उनके साथ जुड़ के हमें भी एहसास हुआ कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारे अंदर भी एक हुनर है काम करने का, और वो हुनर हमारा निकल के बाहर आया।
हम आशा करते हैं वाओज जैसी संस्थाएं फ्यूचर में भी ब्लूम करती रहें और ऐसी अंडर प्रिविलेज महिलाओं को बहुत सारे चांसेस देती रहें। सलमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद, बिकॉज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको आप आगे लेकर आए हो, आपने बढ़ाया है। उन महिलाओं के चेहरों से जो हंसी आ रही थी, पता ही चल रहा था कि कितना उनका इस बात से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि इस पूरे ब्रांड लॉन्च के अंदर काफ़ी सारे ऐसे नाम थे जो आपके साथ आकर जुड़े सिर्फ क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉज है। थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगे कि कौन कौन लोग इसके साथ आके जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, इस पहल को आगे बढ़ाने में। देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल सेक्रेटरी हैं कल्याणी, जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन को लेके होता है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ क्या करना है, किस यूथ को लाना है, लड़कियों को कैसे मोटिवेट करना है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे वो काफ़ी आके मदद करती हैं। और जो अमिंदर प्रीत है हमारे साथ में, वो खुद एक बहुत सीनियर ऑफिसर की वाइफ होने के बावजूद शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ कि वो आकर ऐसे एरियाज़ में खुद चलकर काम कर रही हैं कि एक लड़की को बुलाना, उनको सिखाना, उनके लिए हम क्या कर सकते। इनफैक्ट अगर आप हमारे टैग्स देखेंगे तो पूरा दिमाग उन्होंने उस टैग को बनाने में लगा दिया कि इस पर कौन सी लाइन होनी चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब हर तरह से। अब ये है कि हम आगे इसको किस तरह लेके जाएं। विनीता हैं और प्रिया हैं, बहुत सारे लोग हैं, रेवरेंट जॉर्ज मसीह हैं। और अगर मैं बाहरी लोगों की बात करूं, जैसे आप सुनील शेट्टी सर को देख रहे थे हैं और डीसीपी भीष्म सिंह जी को देख रहे थे, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो हमें किसी ना किसी रीति से सपोर्ट करके आगे ला रहे हैं। क्योंकि अकेले अगर मैं खुद भी चलना चाहती तो शायद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और करना पड़ा भी। लेकिन अगर जब तक ये जो मेरे जो रीढ़ की हड्डी की तरह बन के खड़े हैं, अगर ये लोग साथ नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता यहाँ तक। सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं थैंक्स करूँगी ONGC को कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके हमें इस प्रोजेक्ट को दिया कि आप इसे करें। और हमने भी सोचा कि जिस रीति से उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हम खरे उतरे उस काम को करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डोनर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है तो उन्हें फुलफिल उनकी जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट कर रहे हैं उस पर उतरना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों के लिए ऐसे जुड़ते हैं और काम करते हैं, ज़मीनी हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ नज़र आती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मैं कुछ नाम भूल भी गई हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। सही बोल रहे हो आप। मैं चारू आपसे पूछूंगी कि आप क्योंकि ट्रेनर के तौर पर महिलाओं को ट्रेन करती हैं, क्या ये कला आपको खुद भी आती थी कि आपने खुद भी सीखी है ये कला, स्टिचिंग, कढ़ाई की? मैम, मैंने भी सीखा हुआ है। मैंने ITI से कोर्स किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। तो जो कोर्स हम लोगों ने किया है वही कोर्स हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो और जैसे हमें वहाँ पे जो जो ड्रेसेस बनाने सिखाई है, फाइल बनाने सिखाई है और पेपर मेकिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सब जो हमें कोर्स सिखाया वही पूरा कोर्स हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बहुत अच्छी चीज़। सी, एक चीज़ जो बहुत अच्छे से यहाँ पे सलमा जी निकल के आती है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, मोदी सरकार के अंतर्गत 4 वर्षों के अंदर जो स्कीम एक बहुत बड़ी बनी है उसके अंदर खुद आप देखिए कि आपकी संस्था में आप ना सिर्फ जो महिलाएँ उतनी शिक्षित नहीं है उनको आप ट्रेन करें, बल्कि आपके ट्रेनर्स भी फुल फ्लेजेड अपने आप को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग लेकर रखे आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव या स्कीम चलाई गई है सरकार द्वारा, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये अच्छी स्कीम है और ऐसी स्कीमें और भी स्कीम्स और भी लानी चाहिए जिससे कि देश का भी ग्रोथ हो। एक महिला अगर एजुकेट होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो हमारे देश का ही नाम रोशन होता है। हम बता सकते हैं, जैसे ब्रांड की ही बात करें तो अगर ये विदेश में भी जाती है तो लोगों को पता होगा कि ये हिंदुस्तान की महिला है जो इतनी आगे तक बढ़ी है, जिन्हें लोग नकारा करके एक कोने में छोड़ देते हैं, जिनकी पहचान ही सामने नहीं आती। तो ये लोगों की जो एक खामे खा की ये चीज़ें हैं, सोच है, तो कम से कम ये सोच गलत साबित होगी और वो महिलाएँ सामने पाएंगी। जैसे कि आफशान की अगर मैं बात करूं, जो हमारी डिज़ाइनर है, चारू हमारे पास काम करती हैं, लेकिन डिज़ाइनर जो आफशान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आई इस कॉज के लिए जुड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे। अगर इस तरह की स्कीम्स सरकार और भी करती है तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की एक आत्मा अंदर मर चुकी है, जो करना चाहती थी जो नहीं कर पाई है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
है इससे. राइट, आई थिंक आपने ये जो एक मूव शुरू किया है, एक ये जो ब्रांड शुरू किया माहिरी, जिसके आज आप खुद भी कपड़े पहन के आए, बहुत खूबसूरत. ये जो आप देख रहे हैं, मैं आज खास तौर से हम दोनों ही माहिरी के कपड़े पहन के आए, ताकि देश में जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं तो हमारी महिलाओं की प्रतिभा को जान सके और जो भी चाहते हैं वो हमारे मेल पे हमें डाल सके अपनी रिक्वेस्ट vowsindia@gmail.com के नाम से, और हमें कॉन्टैक्ट कर सके. बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन इसको भेजेंगे, जो लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. बहुत जल्द बहुत सारे शोरूम्स में ये नज़र आएंगे, जो मल्टी ब्रांड शोरूम्स हैं. right. और आशा करते हैं कि वो शोरूम्स भी हमें सपोर्ट करें, ताकि इन विमेंस को हम आगे लेके आ सकें. आई एम श्योर, बिकॉज जो आपने इनिशिएटिव लिया है महिलाओं को अपने आप में इतना एम्पावर करना कि वो अपने लिए और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रख सके, खुद का सबसे पहले रख सके, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. मेकिंग देम सेल्फ इंडिपेंडेंट, और शुड आई से इंडिपेंडेंट इन एंटायरिटी या सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत अच्छी चीज़ है. उसके लिए आप दोनों को और आपकी पूरी संस्था को एक बार फिर से हमारी तरफ से मुबारकबाद. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. लॉन्च हुआ है अभी, लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन खूबसूरत होगा, इसी की हम दुआ करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से. थैंक यू सो मच. नमस्कार सलमा जी. नमस्कार. थैंक यू.